नमस्कार सभी विद्यार्थी तथा प्रिय पालक गणों को सुप्रभात। एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल बीरमगुड़ा के आज के इस एकेडमिक परेड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एकेडमिक परेड अर्थात वार्षिक व्याख्यान कार्यक्रम बच्चों की भाषा शैली का विकास करने के लिए आयोजित किया गया है। आशा करती हूँ आप सभी पालक गण इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाएंगे तथा बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम के पहले भागीदार को मैं बुलाना चाहूँगी, अर्णव साहू। कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम है एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल बीरमगुड़ा ब्रांच। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है खेल खेल में। कहानी लिखी है संजीव जायसवाल संजय। 1 2 3 सुनते हैं हाथी और खरगोश की दोस्ती की प्यारी सी कहानी। हाथी का बच्चा गोलू ढोल जैसा, खरगोश का बेटा छोटू रुई के गोले जैसा, दोनों साथ खेलते। एक दिन गोलू ने बोला, आज कोई नया खेल खेला जाए। तुम बैठो, मैं एक कूद में तुम्हारी ऊपर चढ़ता हूँ। गोलू बैठ गया, छोटू ने छलांग मारी, वो गोलू के पीठ पर पहुंच गया। फिर गोलू हंसा, शाबाश, हो। अब तुम बैठो, मैं कूदूंगा। तुम कैसे कूद सकते हो? ऐसे धपाक धपाक धम 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 गोलू के ऊपर नारियल बरसने लगे। वो डर कर भाग लिया। एक छोटा सा नारियल छोटू पर भी गिरा। हाथी से तो नारियल अच्छा है, छोटू ने सोचा। कहानी खत्म। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई काम करते हैं सोच समझ के करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा प्रदर्शन। थैंक यू मैम। गुड। आगे मैं बुलाना चाहूंगी जश्विता। जश्विता क्लास थर्ड बी। जश्विता अनम्यूट। बोला। छोटू ने चला, गोलू ने
बैठ गया। छोटू ने छलांग मारी, वो गोलू के पेट पर पहुंच गया। शाबाश, गोलू ने हंसा और फिर बोला, अब तुम बेटो मैं कूदूंगा। तुम? हाँ मैं। तुम कैसे कूद सकते हो? छोटू ने घबराया, ऐसे दबक दबक दबक। गोलू के ऊपर नजर बसने वो घबरा कर भाग लिया। एक छोटा सा नारियल छोटू में भी गिरा। इससे ज्यादा तो नारियल ही ज्यादा अच्छा है, छोटू ने सोचा। इस कहानी से हमें यह जो चीज हमारे पास है कुछ कुछ और संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद। धनवी बहुत अच्छे आपने पपेट दिखाए, खरगोश और हाथ प्रणाम। पुरुष वाचक सर्वनाम, मैं तुम वह मैं। यह सर्वनाम प्रथम पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मैं तनुजा हूँ तुम। यह सर्वनाम द्वितीय पुरुष के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। यह सर्वनाम तृतीय पुरुष के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे वह अच्छा लड़का है। मैं तीनवी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। वो कविता का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण सहा जीवन, पर्यावरण सहा जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। पर्यावरण सहा जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चल मिलकर पेड़ लगाते हैं, चल मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसे जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया। करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं। चल मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी भरा यार पवन प्रदूषित। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी भरा यार पवन प्रदूषित। बढ़ गया इतना प्रदूषण, सांस लेना हुआ है मुश्किल। रूठ गई प्रकृति हमसे, मिलकर चलो मनाते हैं। चल मिलकर पेड़ लगाते हैं। धन्यवाद मैम। ओके, नमस्कार, मेरा नाम सुजनी है। नमस्कार, मेरा नाम सृजनी है। मैं अकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल बेरंगोड़ा क्लास 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको स्वर और मात्रा के बारे में बताऊंगी। यह जो मेरे हाथ में आइसक्रीम है, इसमें सभी हिंदी की अक्षर स्वर और मात्राएं लगी हुई है। स्वर और मात्राओं का ज्ञान हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। यहाँ पर तरह तरह के चित्र और खिलौने रखे हुए हैं। कुछ प्राणी पक्षी कुछ आदि, इन सभी का अपना नाम है। इन सभी नामों को चांदिया कहते हैं। सब दुनिया में सभी वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। उन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं।
अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं। धन्यवाद। Good morning, I am Eden Raju, AHPS Bidanguda School. My module is Sandra Art and Craft. I am showing Art and Craft project. I made this traffic signal. It is made up of paper waste material. When there is a red signal, all vehicles should stop. When there is a green signal, all vehicles should move on. When there is a yellow signal, please wait. When ambulance going on, please give a sign. When police vehicle going on, please give a sign. When our HBS school bus ready to go to school. All travel safe. Thank you. Namaskar. मेरा नाम अंकित है। मैं बिरंगुड़ा ब्रांच स्कूल HBS तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुन रहा था। उसका कहानी नाम है शेर और चूहा। एक दिनों बाद शेर हाँ शेर तया एक जंगल पर राज किया। एक दिनों बाद शेर भोजन किए एक पेड़ नीचे पर सो गया था। चूहे आया शेर पर मस्ती किया। शेर चूहे को डर लिया। चूहे बाद में किया शेर अपने धार से बड़े पंजे को चूहे को पकड़ लिया। उसके खाने के उसने बड़ा धाक के ओपन किया। चूहे बहुत डर गया। चूहे बोला शेर राजा मैं बहुत डर गया, माफ़ कीजिए, मैं आपको मदद करूँगी। चूहे से शेर मदद करूँगी। शेर गुस्सा हो गया। मैं आपकी भोजन कीजिए, मत परेशान कीजिए, जाओ। एक दिनों बाद शेर जाने एक पे शिकारी लाल उसका एक जाल बिछाया था। उस जाल पे शेर फड़ गया था। और शेर दौड़ने से और चूहे शिकारी लाल जाया शेर को ले जाना गाड़ी लेके आया को जा गया शिकारी लाल जाया। शेर दौड़ने से चूहे आया उसको जाल को कट किया। चूहे उसके जाल को कट किया और शेर को बचा लिया। शेर बोला मेरे चूहे बचा धन्यवाद। तुम मेरे धान से बचा लिया। तुम ये जंगल में रखो। तुम राजा को बचा लिया। तुम ये जंगल को राजकुमार बोला। नमस्कार, मेरा नाम अद्वित है। मैं एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल बीरमगुड़ा में तीसरी कक्षा पढ़ रहा हूँ। मेरा कहानी का नाम शेर और चूहा। एक समय की बात है, एक शेर था जो जंगल पर राज करता था। एक दिन खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो गया। छोटी चूहा उसको देखा, देखने के बाद मजा करने का शेर का नींद खराब किया। शेर दाता उसका बड़ा पंजा से चूहा को पकड़ता, उसका बड़ा दांत से निकाल के बोला, मैं तेरे को खाऊंगा। चूहा बहुत डर गया। हे राजा, मैं बहुत डर गया, प्लीज राजा मुझे छोड़ दो, फिर एक दिन मैं मदद करता हूँ, प्लीज राजा। शेर चूहा को छोड़ दिया। एक दिन शिकारी जंगल को आया, वो एक झूला बिछाया।
झूला में फंस गया। शेर मदद करने का बचाओ बचाओ पुकारी बोला। चूहा उसको देगा। शेर मदद करने का उसका तेज दान से रस्सी को काट दिया। शेर को आजाद किया। शेर चूहा को कृतज्ञ बोला। शेर और चूहा दोनों अच्छा मित्र बन गया। इस कहानी का मोरल, कोई भी छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे नाम सागर है। मैं एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल बीरंगुड़ा तीसरी कक्षा पे पढ़ रहा हूँ। मैं आज आपको पर्यावरण का कविता सुने जा रहा हूँ। पर्यावरण से है जीवन, पर्यावरण से है जीवन, इस अपना दोस्त बनाते हैं। पर्यावरण से है जीवन, इस अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है स्वासे जीवन को आओ जाने पेड़ की माया। करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूले और छाया। आओ अपने दिलों पे हम, आओ अपने दिलों पे हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी दरा और पवन प्रदूषित। पड़ गया प्रदूषण इतना, श्वास लेना हुआ है मुश्किल। रूट गई प्रकृति हमसे, रूट गई प्रकृति हमसे। मिलो चलो मनाते हैं, मिलकर चलो मनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। मेरा नाम अब्दुल खालिक है। मैं एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं तीनवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं अपनी छाती की आत्मकथा बताने जा रहा हूँ। मैं एक दिल्ली के कारखाने में पैदा हुआ था। बड़े कारीगरों ने बड़ी मुश्किल से मुझे बनाया था। जब मैं बनकर तैयार हुआ, मेरा रंग रूप देखने लायक था और मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे। कुछ रंग बिरंगी थे और कुछ सेवल सिर्फ एक रंग के थे। मुझे और मेरे दोस्तों को एक दुकान की कांच की अलमारी में सजा कर रख दिया। कुछ दिनों बाद कड़कड़ आवाज सुनाई दी, काले बादल छा गए थे। उस वक्त एक लड़की आई थी। जो लड़की ने कहा, दुकानदार ने मुझे खोलकर दिखाया। उसको मेरा रंग पसंद आया, उसने मुझे खरीद दिया। जैसे वो आई थी, बारिश बूंदे बरसने लगी, उसने मुझे थान लिया और मेरा बहुत ध्यान भी रखती थी। जैसे बैग में लेकर जाना, जहाँ भी जाती थी मुझको रखकर जाती थी। जिस चीज़ के लिए मुझे बनाया था वो तो हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं एसपीएस स्कूल तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज संगमा के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह के चित्र और खिलौने रखे हुए हैं। कुछ पुराने पाने वृक्ष आदि है। इन सभी का अपना अपना नाम है। उन सभी नामों संगना कहते हैं। संगना को अंग्रेजी में
कुछ ना कुछ नाम होता है। उन सभी नामों को संज्ञ कहते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम लीसा है। मैं अकादमी खर्च पब्लिक स्कूल तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता की शीर्षक है माँ। घुटनों से रेखते रेखते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की हवा में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मला, आज भी सब कुछ वैसे है। मैं ही हूँ हर जगह, माँ प्यार ही तेरा ऐसे है। सीधा साधा बोला बाल, मैं ही सबसे अच्छे हूँ। कितना भी हो जा बड़ा, मैं माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। धन्यवाद।